गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं यहाँ पे 1 वीक हो जाएगा और मैं ये दिखा रही हूँ कि 2-4 दिन पहले जो मैं वीडियो ली थी वो मैं बाहर से CRPF क्वार्टर वगैरह दिखा रही हूँ और ये मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ये दीवार से जहाँ हम लोग को हॉलीडे रूम मिला था उससे काफ़ी ये सटा हुआ है। सो मैं ऐसे देखती हूँ क्योंकि गिलहरियाँ आराम से आके प्लांट को काट सकती है और ये ऐसा ही सेम बालकनी हमारा भी है। सो मैं अपने रूम को भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अब चलते हैं वहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ी धुलाई वगैरह घर की हो रही है, सो थोड़ी देर के बाद मैं आती हूँ। तब तक ये लोग चले जाएंगे। मैं और ये मैं धुलाई होने के बाद आई हूँ। ये इसमें 2 खिड़कियाँ हैं ड्राइंग रूम में और ये उसी के जस्ट सामने में किचन है। और ये 2 रूम है, एक रूम में बालकनी अटैच है जो ये रहा, इसमें अलमीरा है। और ये बालकनी मैं देखना चाहती हूँ कि थोड़ी पहले से साफ हो गई है। इस पे भी मैं प्लांट रख दूंगी। मैं अपने प्लांट को रखने की जगह देख रही थी। अब ये देखिए एक अलमीरा ये इस रूम की और दूसरे रूम में चलते हैं। ये बाथरूम दोनों और ये एक रूम, इसमें भी एक खिड़की। और अलमीरा खोल के दिखा रही हूँ कि देखो ये 2-2 अंडे रखे हुए हैं। दरअसल बल्ब है, वो पेंट हो रहा था तो खोल लिए थे लोग। और ये मेरी गाड़ी आ गई प्लांट। मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह से वो आए बेचारे। ये देखो ब्रह्म कमल को कैसे ला रहे हैं। मैं वहाँ देखूँगी जा कर के। ये देखो क्या हालत है। मैं सबसे पहले तो शॉक हो गई थी कि आधा प्लांट जो है वो जो होता है ना हिचकियाँ लेना मरने के, मतलब पहले वो ले रहे हैं सारे, अधमरे हो चुके हैं सारे। अभी मैं ऐसा अभी फैला हुआ है सारा प्लांट। सो मैं सभी को अभी थोड़े थोड़े टाइम मिलता जाएगा वैसे मैं सभी को देखते जाऊंगी। ये तो मेरा पान के पत्ते का ये प्लांट देखो कैसा सूख गया। अंदर से बहुत गालियां देने को मन कर रहा था उन लोगों को, कसम से कह रही हूँ। ये देखो ब्रह्म कमल को क्या हालत कर दिया उन लोगों ने। बोला था कि पानी देंगे, पानी क्या, कुछ नहीं दिया इन लोगों को। ये देखो सारे मेरे गमले फटेहाल हालत में हैं, डब्बे सारे फट गए हैं। और ये प्लांट जो मैंने वहाँ से बोला था ना कि मस्त होके आएगी, सही में ये प्लांट आई। और ये मॉन्स्टेरा के ऊपर देखो, उनको बस चलता तो सारा डब्बा इसी के ऊपर चढ़ा देता, लेकिन देखो पूरा धस गया मेरा प्लांट। ये मैं वहाँ देखी थी कि न्यू लीफ निकलने वाला है, बेचारा मुरझा गया। यहाँ से एक और आएगा और मेरा ब्रह्म कमल को क्या कर दिया। मैं सबसे पहले इसी का रिपोर्टिंग करूँगी। और मैं क्या, ये देखो चीकू का हालत, ये तो और फटे हालत में है। देखो
मुझे भर भर के गालियाँ अंदर में आ रही थी बुरी वाली, लेकिन मैं दे नहीं पा रही थी। अंदर में तो दे रही थी कसम से। ये देखो ये मस्त आई है। ये देखो टूट गई, ये भी टूट गई, ब्रह्म कमल की भी टूट गई थी। पता नहीं हिमालय पर्वत से पटके हैं ये लोग की क्या। ये देखो अब मैं इसे रिपोर्टिंग करूँगी। यहाँ पे ही जिस रूम जो हमें मिला था उसी में 2-3 डब्बे बाल्टियाँ पड़ी थी, वो सब मैं अपने प्लांट की यूज़ में ले लूँगी। सभी को उसमें रिपोर्टिंग करके डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। जब तक मैं प्लांट के लिए गमले वगैरह लेकर के आऊँ तब तक तो ये काफ़ी डैमेज हो चुकी होगी। इसलिए जो था घर में डब्बे वो मैं कट करके इसको रिपोर्टिंग सबसे पहले ब्रह्म कमल को कर दी। और इसके लिए काफ़ी बड़ा कंटेनर रहना चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा तो फ्लावरिंग भी नहीं होगा। इसी से सबसे पहले मैं ब्रह्म कमल से की, और ये छोटे छोटे डब्बे मैं वहाँ से ले आई थी, बिरयानी का था और ये रसगुल्ला का। और इसके ढक्कन भी जो होते हैं ना, वो आप कहीं भी रख दो तो पानी वगैरह के लिए नीचे कहीं फैलेगा नहीं। ये देखिए प्लांट के नीचे रख सकते हैं। और ये भी फट गया है, ये मेरी एग्लोनीमा थी, ये भी बुरी तरह सूख चुकी है। पता नहीं रिकवर हो पाएगी कि नहीं, कोशिश करूंगी ज़रूर। इसे लोग कहते हैं कि जड़ सही से रहे तो ये रिकवर हो जाती है, तो मैं इसे लगाऊंगी इस डब्बे में। पहले भी ऐसे ही डब्बे में रखी थी मैं। अभी मेरे पास मिट्टी भी नहीं है, मैं सारे इसी मिट्टी को यूज़ कर ले रही हूँ। बाद में मैं जिसमें कम होगी वो मैं ला के फिर ऐसे आप रख सकते हैं। देखिए ऐसे मस्त दिख रहा है। ये फट गया, मिट्टी में झाड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए मिट्टी बहुत कीमती है। अभी ये रहा मेरा रूम का, अभी रायता फैला हुआ है पूरा। ये देखिए, और किचन में मैं और उधर प्लांट भी देख रही थी और खाना भी बना रही थी। सो अभी पूरा ठीक तरह से मैंने सामान को समेटा नहीं है। सो आज मैं रायता बनाई हूँ, राइस चावल है और ये आम सैलेड और दाल। दाल आज पतली हो गई है। और ये भुजिया, भिंडी आलू की भुजिया, आज सारा इजी खाना था। और दोस्तों मैं प्लांट की दिखाती रहूँगी हालत, तब तक के लिए बाय।